जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं हमारी अपनी YouTube चैनल भारत वही सोच नहीं। करंट लोकेशन चांदखेड़ा रोड, अहमदाबाद, गुजरात। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी मैं खड़ा हूं चांदखेड़ा रोड रेलवे स्टेशन के आगे और आज हम जर्नी करेंगे ट्रेन नंबर 09431 साबरमती मेहसाणा DMU ट्रेन में। दोस्तों आज की हमारी ये जर्नी एक अनरिजर्व जर्नी होने वाली है, जिसमें हम आज एक लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे और ये जो ट्रेन है ये अहमदाबाद के साबरमती से चल के इसका मतलब नेक्स्ट स्टॉप जो होता है वो चांदखेड़ा रोड ही होता है और यहाँ से मैं इस ट्रेन में बोर्ड करके इसकी डेस्टिनेशन यानी कि मेहसाणा तक जर्नी करने वाला हूँ। चलिए फटाफट से हम स्टेशन के अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से आगे बातें तो करता ही रहूँगा। सामने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टिकट विंडो है, वहीं से हम लोग अभी टिकट लेंगे और टिकट लेके फिर हम लोग स्टेशन में मिलते हैं। तो दोस्तों वहाँ टिकट विंडो से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टिकट मैंने ले ली है और ये इस तरीके का है कुछ चांदखेड़ा का रेलवे स्टेशन यानी कि चांदखेड़ा रोड। तो दोस्तों ऐसी दिखती है कुछ हमारी ये जनरल क्लास की टिकट चांदखेड़ा रोड से मेहसाणा जंक्शन तक आज इस ट्रेन में बैठ के हम ट्रैवल करेंगे और ये दोनों ही स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 58 किलोमीटर का है। मैंने अपनी खुद की टिकट ली है इसलिए यहाँ पे एक एडल्ट लिखा है जो कि मुझे 35 रुपीज़ में पड़ी है। दोस्तों वैसे मुझे यहाँ पे आज जीनू जी छोड़ने आए हैं, जिनको आप लोगों ने हमारे मेट्रो के व्लॉग में देखा था एक बार। कुछ बोलना चाहेंगे? तो दोस्तों चांदखेड़ा रोड के थोड़ा आगे आ चुके हैं मैं और जीनू जी, क्योंकि मुझे ट्रेन में आगे बैठ के ट्रैवल करना था। और अगर ट्रेन के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूँ तो यहाँ चांदखेड़ा रोड से मेहसाणा जाने के लिए आप लोगों को 3 DMU ट्रेन मिल जाएंगी एक दिन में। एक सुबह 9:20 पर यहाँ से चलती है और साबरमती से करीब वो 9 बजे अपना डिपार्चर ले लेती होगी और फिर एक 4:30 जिसमें अभी मैं जा रहा हूँ और एक शाम को 5:30। और ऐसे ही दोस्तों मेहसाणा से चांदखेड़ा रोड आने के लिए भी आप लोगों को 3 ट्रेन्स मिल जाएंगी, मगर उनकी टाइमिंग थोड़ी अलग है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आ चुकी है हमारी ट्रेन जिसमें आज हम मेहसाणा तक जर्नी करने वाले हैं। वैसे ये जर्नी मैंने पहले की हुई है, आप लोगों को दिखाया भी है यही ट्रेन में और यहीं से मेहसाणा गया हूँ मैं, मगर आज सोचा कि लाइए फेस कैम के साथ वीडियो करें। ये कोच खाली दिख रहा है, चलिए इसमें चढ़ जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ ये इंटीरियर है हमारे कोच का। चलिए यहाँ पे हम बैग रख देते हैं और जीनू को बाय करते हैं। दोस्तों चांदखेड़ा रोड से 4:50 पे चलने के बाद 4:55 यानी कि 5 मिनट की देरी के बाद ही हमारा पहला स्टॉप यानी कि खोड़ियार आ गया है। और ये जो खोड़ियार है ये हमारे अहमदाबाद से उतना ही दूर है जितना अहमदाबाद से अडालज है। दोस्तों 2 मिनट के स्टॉप के बाद खोड़ियार से भी हमारी ट्रेन ने अपना डिपार्चर ले लिया है। वैसे दोस्तों अभी आप लोग अदानी शांति ग्राम को जाता हुआ देख सकते हैं जो कि अहमदाबाद में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज है रहने के लिए। और यहाँ तक दोस्तों मैं कभी कभार अपनी साइकिल लेके आ जाता हूँ, यहाँ आगे ही नर्मदा कैनाल है
और ये जा रही है हमारी प्यारी नर्मदा कैनाल। वैसे तो दोस्तों चांदखेड़ा रोड से लेके मेहसाणा जंक्शन तक की आप लोगों ने मेरी ये डीएमयू जर्नी काफी वक्त पहले ही देख ली है, मैंने पहले भी ये जर्नी बनाई हुई है, मगर दोस्तों तब मैंने फेस रिवील नहीं किया था और अभी मैं अपनी बुआ के घर पे जा रहा था, मेहसाणा में मेरी बुआ का घर है, तो मैंने सोचा कि लाइए अब एक बार फेस रिवील हो चुका है हमारी चैनल पे, तो एक और बार फेस के साथ हम ये जर्नी बनाते हैं, तो इसलिए ही आज मैं आप लोगों के लिए ये जो जर्नी है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इंटीरियर्स हमारी ट्रेन के कुछ इस तरीके के हैं, ऐसी बैठने के लिए सीट्स दी गई हैं जो कि दोस्तों 35 रुपीज़ को कंसीडर करते हुए काफ़ी ज़्यादा सही है। वहाँ पे आप लोग LED स्क्रीन्स देख सकते हैं, ऊपर हैंडल्स लगे हुए हैं अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो पैसेंजर्स को पकड़ने के लिए, और यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है, फैंस भी हैं, और ये जो ट्रेन है दोस्तों सच में हॉन्क करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। अभी तो मैं शुरू ही कर रहा होता हूँ कोई भी वीडियो की रिकॉर्डिंग और ये जो ट्रेन है वो हॉन्क करना शुरू कर देती है। दोस्तों चांदखेड़ा रोड से चलने के बाद हमारा दूसरा स्टॉप आ चुका है, चांदखेड़ा रोड के बाद हमने खोड़ियार देखा और अभी हमारी ट्रेन खड़ी है कलोल जंक्शन पे। कलोल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसा कि हम अभी जा रहे हैं कलोल से मेहसाणा की ओर तो जा ही सकते हैं, मगर साथ साथ यहाँ से गांधीनगर के लिए भी एक और लाइन कटती है, और दोस्तों कलोल के भजिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं अहमदाबाद की ओर जाया करता था जब छोटा था बचपन में अपनी फैमिली के साथ, तब हम कलोल के भजिए तो ज़रूर से खाते थे। तो दोस्तों ये रहा हमारी DMU का गैंगवे जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, और टॉयलेट आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का टॉयलेट है दोस्तों, तो हालत इतनी अच्छी भी नहीं है इतनी बुरी भी नहीं है, काम चला हुआ है, आप लोगों का काम आराम से चल जाएगा। और ये रहा मैं, जैसा आप लोगों ने देखा कलोल के आगे हमारी ट्रेन ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप किया, और तब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एकदम से हवा का झोंका आया, मेरा फोन गिर ही जाता मगर गिरता नहीं, एक्चुअली मैंने जो दोरी है वो बांध के रखी है अपने फोन पे। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग नए हैं, अगर नई नई रेल रोक स्टार्ट की है तो हर एक चीज का ध्यान रखें और अपने फोन का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों फोन नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो सनसेट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, अभी तो 5:15 बज रहे हैं और सूरज को देखिए आप लोग कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कलोल के आते ही दो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेशन्स को स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड में शुरू हो गया हमारा WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो चांदखेड़ा रोड से चलने के बाद अभी हमारा थर्ड स्टॉप यानी कि झूलासन आ चुका है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन ने झूलासन से अपना डिपार्चर ले लिया है और आज तारीख है 5 दिसंबर 2022। दोस्तों आज ही हमारे गुजरात के अहमदाबाद में जनरल इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और मैं भी अपना वोट दे के आया हूँ। तो अगर तमे लोगो गुजराती छो अने तमे लोगो जो आजनो आ वीडियो जोई रह्या छो तो जरूर सॉरी हिंदी गुजराती मिक्स हो गया, तो अगर तमे लोगो गुजराती छो अने आजना दिवसे जो तमे आ लोगो अमारो वीडियो जोई रह्या छो अथवा गमे त्यारे तो जरूर थी आ वीडियो में कमेंट करीने अमने जणावजो के तमे आजे वोट कर्यु के पछी नहीं।
दोस्तों झूला सण के बाद हम लोगों ने घुमा सण का, इंडियन रेलवे का पैसेंजर रेलवे स्टेशन स्किप किया और उसके पहले हम लोगों ने WDFC का न्यू घुमा सण रेलवे स्टेशन देखा। दोस्तों ये दोनों ही रेलवे स्टेशन के बीच में थोड़ा सा अंतर रखा गया है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंची है डांगरवा, जो कि चांदखेड़ा रोड से चलने के बाद का हमारा फोर्थ स्टॉप है और ये रही हमारी ट्रेन। दोस्तों अभी 5:40 हो रहे हैं और काफी लंबी देरी के बाद, करीब करीब 15-20 मिनट की देरी के बाद हमारी ट्रेन ने यहाँ डांगरवा से अपना डिपार्चर ले लिया है। दोस्तों अभी 5:45 हो रहे हैं और जो सनसेट है वो बस होने ही वाला है। डांगरवा के बाद अभी हमारी ट्रेन यहाँ अम्बलियासण पहुंच चुकी है। यहाँ पे इस ट्रेन को 5:20 के लगभग आ जाना चाहिए था, मगर ये ट्रेन यहाँ पे आधे घंटे की देरी से 5:50 पे पहुंची है। और दोस्तों ये खड़ी हमारी ट्रेन यहाँ अम्बलियासण जंक्शन पर। वैसे इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया है। आप लोग आई बटन में जाके हमारी जो पिछली जर्नी है अगर वो देखना चाहते हैं तो उसे भी जरूर से देख सकते हैं। बस उसमें मेरा फेस नहीं होगा, मगर इन्फॉर्मेशन इससे भी काफी ज्यादा होगी। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारी ट्रेन में, क्योंकि इंजन ने हॉर्न बजा दिया है। दोस्तों चांदखेड़ा रोड से चलने के बाद हमारा 6th स्टॉप यानी कि जगुदन आ चुका है। पिछली बार जब मैंने ये ट्रेन में जर्नी की थी तब हमारी ट्रेन जगुदन पे नहीं रुकी थी, स्किप किया था हमारी ट्रेन ने, मगर इस बार इसे यहाँ पे स्टॉपेज दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ जगुदन से डिपार्ट करते वक्त अभी शाम के 6:01 हो रहे हैं और जो पूरी ट्रेन है उसमें लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। Thank you.
दोस्तों फाइनली करीब करीब 10-20 एक घंटा 25 मिनट की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं हमारी और इस ट्रेन की डेस्टिनेशन यानी कि मेहसाणा जंक्शन। तो दोस्तों हमने तो इस ट्रेन में यहाँ मेहसाणा तक ही जर्नी की, बाद में मुझे पता चला कि ये जो ट्रेन है ये आबू रोड तक भी जाती है, मेहसाणा इसकी डेस्टिनेशन नहीं है। मगर चलिए कोई नहीं, ट्रेन को जाने दीजिए। और हम यहाँ पे 6:15 पर पहुँच चुके थे, करीब करीब एक घंटा और 25 मिनट में हमने हमारी 58 किलोमीटर की जो जर्नी है वो तय कर ली चांदखेड़ा रोड से मेहसाणा जंक्शन के बीच। और टोटल हमने 6 स्टॉप्स को कवर किया, जिसके बाद जो 7वां स्टॉप था वो हमारी डेस्टिनेशन यानी कि मेहसाणा जंक्शन था। तो दोस्तों अभी मैं मेहसाणा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे ट्रेन की डेस्टिनेशन देखने में गलती इसलिए हुई क्योंकि दोस्तों जो हमारे चांदखेड़ा रोड पे टाइम टेबल लगा है उसमें भी एक्चुअली ऐसे देखे तो मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ पे चांदखेड़ा रोड से मेहसाणा तक की का ही जो ये नाम है इस DMU को दिया गया है, आबू रोड तक नहीं। और दूसरी बात दोस्तों कि ट्रेन वैसे लेट ही थी, वहाँ से 15 मिनट लेट चली, यहाँ भी इसने 15 मिनट लेट पहुँचाया, मगर जो इसका ट्रैवल टाइम था वो उतना ही था, उल्टा का इसने 5 मिनट जल्दी ही पहुँचाया। दोनों स्टेशंस को इसे 1.5 घंटे में कवर करना होता है, मगर आज इस ट्रेन ने हमें 1 घंटा 25 मिनट में पहुँचा दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।